खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण पर लिए गए फैसले के संबंध में बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारी पार्टी सहमत नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को समाप्त करके उसे सामान्य वर्ग को दे देने जैसा होगा। साथ ही इससे सरकारें मनचाही जातियों को आरक्षण देने का काम करेंगी और इससे असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का प्लान है और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने फैसले को पलट दिया है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों में मतभेद की स्थिति बनेगी। एसटी के समूह में बची हुई जातियों को उसे वंचित रख सकती है, क्योंकि राज्य सरकार की निगाह में उन जातियों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन जातियों में से कुछ लोग सामाजिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस पूर्व वर्गीकरण के पक्ष में जोरदार से दलील रखते समय बीजेपी द्वारा केंद्र शासित सरकार के अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार के महाधिवक्ता हरियाणा एवं चंडीगढ़ की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा ये महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रखा गया कि वर्गीकरण के तहत जिन जातियों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा उन जातियों में अभी भी लाखों व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है और अब उन्हें अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत एससी व एसटी वर्ग के समूह में होते हुए भी हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित रहना पड़ेगा, जो कि किसी भी प्रकार से न्याय संगत व उचित नहीं होगा तथा पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी होगा तथा ये सभी उप वर्गीकरण वाली जातियाँ आपस में ही कोर्ट कचहरी अदालतों में वर्षों तक लड़ते रहेंगे और अंत में ये सभी लोग फिर आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र के वकीलों और राज्य सरकार की तरफ से भी सत्ताधारी दल के वकीलों ने ही अपना पक्ष रखा है।